सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्री फायर में नेम चेंज कैसे करें। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें स्टाइलिश नेम कैसे लिखा जाता है। अक्सर जब आप फ्री फायर खेलते हैं तो आपको ऐसे ऐसे नाम दिखते होंगे जो काफी ज्यादा स्टाइलिश और डिजाइन में लिखे हुए रहते हैं, तो अगर आप उस तरह का नाम लिखना चाहते हो तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कैसे आपको क्या क्या करना है फ्री फायर में नेम चेंज करने के लिए। तो अगर आप लोगों को अपने फ्री फायर में स्टाइलिश नेम लिखना है तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं और यहीं से आप अपने फ्री फायर में स्टाइलिश नेम लिख पाओगे। तो ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको इसके सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है निक फाइंडर NICKFINDER एंड इतना लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट देखने को मिल जाएगा NICKFINDER.com। सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट के अंदर आपको बेस्ट निक नेम एंड नेम्स देखने को मिल जाएंगे। तो वेबसाइट में स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे स्टाइलिश नेम देखने को मिल जाएंगे। तो अगर यहाँ पर आपका नाम देखने को नहीं मिलता है, उसे कैसे खोजना है वो भी देख लीजिए। अगर आपको अपना पूरा नाम सर्च करना है तो ऊपर आपको सर्च बार देखने को मिल जाएगा, इस पे क्लिक करना है। जो भी आपका नाम हो यहाँ पर टाइप करना है, जैसे कि मेरा नाम है अजय, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अजय। और उसके बाद यहाँ फाइंड पर क्लिक करना है। जैसे ही फाइंड पर क्लिक करोगे तो आपके नाम से यहाँ ढेर सारे डिजाइन दिख जाएंगे। स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ भी आपके नाम से ढेर सारे डिजाइन देखने को मिल जाएंगे। अगर इस नाम को आप फ्री फायर में लिखना चाहते हो तो सिंपली इस पे क्लिक करो, ये कॉपी हो जाएगा। और कॉपी होने के बाद पहले आपको फ्री फायर में जाके लिखना नहीं है, कॉपी करने के बाद आपको अपना नोटपैड खोलना है। नोटपैड में आने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है तो आपका नेम यहाँ कीबोर्ड पर देखने को मिल जाएगा। इस पे क्लिक करना है तो आपका नेम यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। कुछ लोगों का पूरा नाम अच्छे से नहीं मिलता है तो वो लोग क्या करेंगे, तो आपको सिंपली इस वेबसाइट में आना है। यहाँ सर्च करने पर आपको कोई नेम पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से अपने हिसाब से भी डिजाइन बना सकते हो। एक एक डिजाइन यहाँ से सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, फिर नोटपैड में पेस्ट करना है। एंड यहाँ से आप एक एक वर्ड भी सेलेक्ट कर सकते हो एंड कॉपी कर सकते हो। बारी बारी से ले जाके नोटपैड में पेस्ट करके अपने हिसाब से अपना नाम पहले नोटपैड में लिख लेना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मैं अपना नाम लिख चुका हूँ। मैं हर एक अक्षर, हर एक वर्ड यहाँ अलग अलग कॉपी करके लाया हूँ। एक एक वर्ड कॉपी करके लाया, यहाँ पर पेस्ट किया, तब जाके मेरा पूरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है, ये सभी वर्ड मुझे इसी तरह एक जगह मिल गया था। तो मैं अपने फ्री फायर में अपने चैनल का नेम ही लिख रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो मेरे चैनल का नाम है क्यूक टेक अजय। एंड जब आपका नाम पूरी तरह से नोटपैड में लिखा जाए तब आपको इस नाम को सेलेक्ट करना है एंड यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद नोटपैड कट करना है एंड अपना फ्री फायर ओपन कर लेना है। अब नेम चेंज करने के लिए आपको अपने प्रोफाइल बैनर पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर प्रोफाइल बैनर देखने को मिल जाएगा, सिंपली इस पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपका प्रोफाइल देखने को मिल जाएगा। अब नेम चेंज करने के लिए आपको अपने नेम पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अपने नेम पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ छोटे छोटे वर्ड में आपका नाम देखने को मिल जाएगा। फिर आपको अपने नेम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपने नेम पर क्लिक करोगे तो आपका फ्री फायर नेम देखने को यहाँ मिल जाएगा। तो जो नेम अभी यहाँ पर दिख रहा है, सबसे पहले इसे हम यहाँ से हटा देंगे। नेम हटाने के बाद थोड़ी देर यहाँ पर अपनी उंगली रख कर रखेंगे तो यहाँ पर हमें पेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपली पेस्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप पेस्ट पर क्लिक करोगे आपका नेम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग होगा और यहाँ पर आपका नाम देखने को मिल जाएगा। बट अगर आपके केस में ऐसा होता है, आपका एक ही वर्ड दो जगह दिखाई दे रहा है, जो चीज आप लिख रहे हो वो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आ रहा है, आपका एक अक्षर दो अक्षर गायब हो जा रहा है, आप यहाँ से उस वर्ड को हटा दें और अपने कीबोर्ड से उस वर्ड का कैपिटल लेटर लिख दें, तो इस तरह से आप अपना नेम लिख सकते हो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब कम्प्लीटली अपना नेम चेंज करने के लिए तो आपको 390 डायमंड देना पड़ेगा, या अगर आपके पास नेम चेंज कार्ड है तो इस पे कंफर्म पर क्लिक करके आप अपना नेम चेंज कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि फ्री फायर में नेम चेंज कार्ड कैसे लें तो ये वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर उसे देख लो, इजीली नेम चेंज कार्ड खरीदना सीख जाओगे। तो फाइनली मैं अपना नेम चेंज करने के लिए कंफर्म पर क्लिक करता हूँ। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया।